मासूम सा सवाल जवाब तेजस्वी के पास नहीं। फातिमा ने जिस बचपना से मासूमियत से पूछा, आपका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यह शब्द सुनकर जिस तरीके से प्रसन्न हुए। फिर फातिमा का अगला सवाल, आपके हम बहुत बड़े फैन हैं, मेरा पूरा परिवार आपको देखता है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मामू सब चाहते हैं आपसे मिलना। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर क्यों। मासूम सी फातिमा ने जिस मासूमियत से जवाब दिया, उसे सुनकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा। आखिर फातिमा ने ऐसा क्या कहा जो तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी को यह वीडियो देखना चाहिए। दरअसल फातिमा ने कहा कि आपका नाम तेजस्वी यादव है और मैं आपको इसलिए पसंद करती हूँ कि आप नौकरी देने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर यही बात कर रहे हैं कि वो 17 महीनों में नौकरी दिए हैं, और जब एक 7-8 साल, 10 साल, 12 साल का बच्चा नौकरी का मतलब समझने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा किसी नेता के लिए क्या होगा। 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर टकटकी निगाहें से जो बच्ची खड़ी थी, वो बच्ची अब सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने कहा, कैमरा देखकर डर तो नहीं लगता है। मासूम सी फातिमा ने कहा, अरे नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपके नौकरी देने की योजना की कायर हूँ। तेजस्वी यादव ने बड़े ही प्यार से उस मासूम सी बच्ची के साथ तस्वीरें खिंचाई, फिर अपने लोगों से कहा कि इनके परिवार के बारे में पता करिए। फिर मासूम सी बच्ची को परिवार के दूसरे सदस्य जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे उनके साथ विदा किया गया। लेकिन इस बीच फातिमा का सवाल और फातिमा ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर जो बेकरारी, जो जुनून, जो एक छोटी सी बच्ची तेजस्वी यादव के लिए जो एक फ़ैन फॉलोइंग होता है वो ललक दिखाई, तो तेजस्वी भी खुद को रोक नहीं पाए और फातिमा के लिए जो सवाल मीडिया ने पूछा, तेजस्वी ने उसका भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आपका भी मन ठहर जाएगा, आप भी सोचने लगेगा कि क्या सच में तेजस्वी के लिए कोई ऐसे भी कर सकता है, या तेजस्वी यादव की दीवानगी क्या बच्चों में भी है। चलो शुक्रिया, थैंक यू कहना कैसे आई हो? ले लो, अपनी मामा को लेके आए थे तो सुने ना तेजी ज्यादा पा रहे, तो बोले चलो मिल के आ गए। पापा भी तो वही है। अपनी मम्मी भैया और अपनी मम्मी भैया और चाचा, सॉरी चाचा नहीं, शुक्रिया। कैसा लगा बेटा, मिली आप? कहाँ देखते थे? कैमरा से तुमको डर नहीं लगता? नहीं, हमको डर नहीं लगता। नर्वस नहीं हो? टीवी पर देखी हो तेजस्वी जी को? बाबू हमको सबसे अच्छा इनका लगता है, सबको नौकरी देते हैं, सबसे अच्छा। आप बताइए, मोदी जी को दिखाइएगा? रैंडम बच्ची आई है मिलने। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत देर से आपने दिया था सर, सर ले ले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।